जी प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, मेरा नाम राजेश्वरनाथ चौबे, मैं जबलपुर से हूँ जी। गुरु जी, मैं जब साधना करता हूँ तो मूलाधार मेरा गर्म होता है, प्राणवायु थोड़ा ऊपर तक जाती है, नाभि चक्र तक कुछ गर्म महसूस होता है, कभी कभी प्राणवायु कंठ में भी दबाव महसूस होता है। अच्छी बात है, आप जो साधना कर रहे हैं उसी के कारण ऐसा हो रहा है। प्राणवायु आपकी, यानी आप जैसा कि बता रहे हैं कि ऊपर जा रही है, प्राणवायु ऊपर जानी भी चाहिए, ध्यान लगता है जी। गुरु जी ध्यान लगता है, लेकिन चूँकि शुगर वाला हूँ तो ज़्यादा देर इकट्ठा बैठ नहीं पाता हूँ, तो टुकड़ों में बैठता हूँ। 25 मिनट 30 मिनट बैठ जाऊँगा एक बार, फिर थोड़ी देर उठ जाऊँगा, फिर 25-30 मिनट बैठ जाऊँगा, इस तरीके से कर पाता हूँ। तो 25-30 मिनट क्यों बैठते हैं, ज़्यादा क्यों नहीं बैठते हैं, क्या परेशानियाँ आपको, आसन सिद्ध नहीं है क्या जी? गुरु जी, पैर नस चढ़ जाती हैं। क्या हो जाते हैं? नस जो है। अच्छा, नस चढ़ जाती है, फिर आप देर तक कैसे साधना करेंगे, ध्यान करेंगे? गुरु जी, 1.5-2 घंटे मतलब बैठ जाता हूँ उसमें, मतलब भस्त्रिका है, प्राणायाम ये सब कर लेता हूँ, लेकिन जो आसन लगा के इसमें बैठने में मतलब 25 मिनट 30 मिनट इससे ज़्यादा नहीं बैठ पाता हूँ। कोशिश कर रहा हूँ, एक पैर तो सही हो गया है, दूसरे पैर में बस थोड़ा प्रॉब्लम रह गई, तो धीरे धीरे वो भी कोशिश कर रहा हूँ। सही हो गया तो परेशानी क्या थी? दोनों पैरों में गुरुजी नस चढ़ जाती थी, बैठ नहीं पाता था, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता था। डॉक्टर्स को भी दिखाया था तो उन्हें मतलब टैबलेट्स वगैरह दी थी, बोले ये उपयोग कीजिए, लेकिन उससे भी कोई खास फायदा नहीं हुआ था। लेकिन जब से योग करना शुरू हुआ तो उससे लाभ हुआ है मुझे, इसी रूप से भस्त्रिका से और प्राणायाम से। तो आप विशेष तरह का कुर्सी बनवा सकते हैं, उसमें बैठ के देख लीजिए क्या आपका ध्यान लगता है। नहीं गुरु जी, ध्यान तो नीचे ही बैठ के करूँगा, चाहे थोड़ा टाइम भले लग जाए। चलो अच्छी बात है, आपके हिम्मत है, परिश्रम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, अच्छी बात है कि। लेकिन ये भस्त्रिका करते हैं, थोड़ा आसन वगैरह करें, शायद नाड़ी कम जाम हो ध्यान पे बैठते समय, वैसे हो जाता है कुछ लोगों को, ध्यान करते तो पैर शून्य हो जाता, तुरंत खड़े नहीं हो पाते, तो फिर धीरे धीरे पैर सीधा करके, मैं भी बता देता हाँ, दोनों हाथों से पैर सीधा करके थपथपाइए ताकि वो पैर सही जी, हो जाए जी। गुरु जी, ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाए जी जी जी। तो कहने का मतलब धीरे धीरे अभ्यास करिए, परेशानी है मान लो आप बता देते हैं तो, और भी कुछ साधकों को होता है, मेरे भी पैर शून्य हो जाते थे, जब मैं 3 घंटे से ज़्यादा बैठता तो पैर शून्य, निचला भाग शून्य हो जाता था, बैठा रहता था, जब पैर हो जाते दोनों हाथों से पैरों को सीधा करते थे, फिर थपथपाते थे, तो होती है ये क्रिया। खैर आपकी जल्दी होती है, कि थोड़ी इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए, 1 घंटे के बाद होना चाहिए या ज़्यादा बाद होना चाहिए। चलो अभ्यास करते रहिए, अच्छी बात है जी। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। मैं मतलब शिविर में आने से पहले, 5-6 दिन पहले मुझे ध्यान करने के टाइम ओमकार का ध्वनि मतलब सुनाई दिया, 5-10 सेकंड का, तो मतलब उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि उस 5-10 सेकंड में ही मेरा 1 घंटे का ध्यान मतलब उतना मतलब गहरा ध्यान लगा, ऐसा लगा कि 1 घंटे का ध्यान हो गया उसमें जी। आपको ध्यान में ओमकार सुनाई दिया? हाँ जी। और तो उसमें गहरा ध्यान लगा, मुझे ऐसा लगा कि 1 घंटे का ध्यान उसमें हो मतलब हो गया। और दूसरी चीज़ मतलब मतलब सफ़ेद कमल का फूल, जैसे ब्रह्म कमल होता है वैसा। हाँ, ब्रह्म कमल मैं समझ गया, उत्तर भारत में नहीं होता, पता नहीं यहाँ कम होता होगा, महाराष्ट्र तरफ ब्रह्म कमल होता है जी। तो उसकी चमक जैसी, अपनी चांद जैसे होता है उसकी, वैसी चमक थी, तो वैसे दो चांद की तरह। हाँ, उसकी चमक सफ़ेद था, वो चमक रहा था मतलब अंतरिक्ष में, आकाश में चमक रहा था। हाँ, मतलब ऐसे दिखा मुझे कि चांदनी जैसी, उसकी चांद जैसी चमक है। मैं समझ गया समझ गया। हाँ, तो ऐसे दो अनुभव उसके बारे में जानना चाहूँगा। हाँ, अनुभव है, अनुभव आ रहे हैं, गले में अनुभव है, गले की अवस्था है तो अनुभव आ रहे हैं। वो अंतरिक्ष में चांद जैसा दिखा होगा, आकाश में
क्या दिख रहा, सामने दिख रहा था या आकाश में दिख रहा था? सामने सामने दिख रहा। ठीक है ठीक है। और दूसरा मतलब समुद्र के किनारे में था, और समुद्र के किनारे और किसी चीज का मतलब मंत्र या कुछ था, तो मंत्र बोलने के बाद मतलब आसमान से कुछ चीज मेरे हाथ में आई, मतलब दिखाने मुझे क्या था, लेकिन जो कुछ अस्त्र ऐसा कुछ लग रहा था, समझ में नहीं आया। इन अनुभवों से लगता है कि आपकी साधना आगे बढ़ रही है, अच्छी बात है, साधना करते रहें आप। ये अनुभव दर्शा रहे हैं कि आपकी साधना चल रही है और आगे बढ़ रहे हैं आप। ठीक है, कुल मिलाकर के अच्छा ही अच्छा है अभ्यास में, आपको अभ्यास करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिमेंबर टू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। Thank you.